सो गाइस हम खा के बैठ गए। ये आपने कुछ भाई गोल्ड क्या बोलते हैं एक और मैं इसको पहुंचाने जा रही हूँ ऊपर तक। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कुत्ती का मैंने कितने महीने बाद मर रही हो तो YouTube में कहा थी आज तक। हाय गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग मस्त बढ़िया और बिंदास होंगे और आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप सोचेंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ मतलब मैं कल मार्केट जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मतलब अभी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ मतलब वैसे तो मैं उसके बाद मुझे काम भी है मार्केट में मतलब मेरी आमा को मेरी आमा डिस्ट्रिक्ट में है ना तो मुझे उनको भी देखने जाना है तो इसलिए जा रहा हूँ मैं। और मुझे अपने दोस्त से मिलने भी जाना है इसलिए भी जा रहा हूँ मैं और मेरे कुछ काम भी है इसलिए भी जा रहा हूँ मैं तो मतलब सब कुछ एक साथ ही है तो जा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं भाई अभी बजे है 10:30 हो रहे हैं शायद 11 बजने वाले पता नहीं कितना हुआ है। दूधानी में उठा अब मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। भाई बाल कैसे हो रहे हैं चिपक गए क्या उधर तो अब बाल जाते जाते ख़राब हो जाने वाले बट कोई बात नहीं। सो अब मैं चलता हूँ तो मैं आपको मिलता हूँ ठीक है। डायरेक्ट मैं सोच रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट छोड़ो मतलब मैं आपको मिलता हूँ ठीक है। हाँ सो गाइज मैं जा रहा था तो मुझे मेरी दोस्त मिल गई चाहे जो कब से जिसे मिला नहीं हूँ मैं तो मैं कैसे मिलू करके तो मैं अंदर को घुसा देखा तो मतलब ये खाना वाना बना रही है अभी CTEC की थी वो क्या बोलते हैं खाना बनाने वाली कोई कहना चाहती हो आप। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कुत्ती का मैंने कितने महीने बाद मर रही हो तो YouTube में कहा थी आज तक यही बोले पता था मुझे यही बोलने के लिए इसने रखा होगा उसने मुझे अंदर से निकाल ही ना बड़ा सा कुछ कैसे इसका व्लॉग खराब करूँ कैसे तो मतलब करूँ तुम्हारे ब्लॉग के लिए मुझे अब पक्का ही आएगा ऐसा नहीं है वो आएगा सर ड्रामा नहीं रखती तो मैं इसके बैक कैमरा बताऊंगा। और ऐसे ही सस सस के हॉस्पिटल जा रही है पता नहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर तो वैसे आजकल बड़े हैंडसम आए हैं देख लो मुझे कान दिखाने में जाने हैं और अपनी आमा से मिलने जाने हैं मेरे आमा से खबर करने जाने हैं तभी क्या हुआ क्या बोल रहे हो बाहर चाची बुला रही है मुझे क्या ये मेरी दोस्त क्या ये हमारी चाची बड़ी पंचायती है बोलते रहते पानी में हॉस्पिटल में पहुंच गया हूँ भाई। सो गाइस क्या बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल गया था बहुत भीड़ थी लेकिन फिर मैंने वहाँ पे कैमरे से थोड़े तो खोला मतलब उसके मैंने आमा को दिखाने लगी आमा तो सोई हुई थी फिर वहाँ पे अगर कैमरा खोलने लग जाऊँ तो अच्छे नहीं लगते हैं ना तभी तो मैंने तभी खोला नहीं कैमरा। उसके बाद जस्ट मैं अभी मतलब हॉस्पिटल से निकल के अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के वहाँ जा रहा हूँ फिर पंचायत करूँगा उसके वहाँ उससे मिला भी नहीं हूँ बोल भी दिया आ करके तभी जा रहा हूँ। मुझे घर का रास्ता गली गली से याद तो नहीं है उसको फ़ोन मिलाऊँगा कभी बताया भी नहीं मैंने उसको मतलब कि मैं उसको बताया नहीं कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो उसका रियलिटी दिखेगी रियल तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट उससे घर के बाहर मिलूँगा ठीक है। भाई इसके घर की जो गली है ना मैं समझ नहीं आ रही कौन सी गली कैसी है ऊपर जाऊँगी नहीं आ रही मुझे उसे फ़ोन करके पूछना पड़ेगा। सो गाइस मैं टुक्का बढ़ाते हुए मतलब मैं गली से आई मैंने उसको फ़ोन नहीं किया मैंने कि नहीं क्योंकि एक बार मैं पहले आया था तो मुझे याद था मतलब हल्का फुल्का याद था लेकिन उतना याद नहीं था और उससे मतलब मैं कहा कि उसको बताऊंगा नहीं कि मैं खुद मतलब उसको बता था कि मैं मतलब मैं हूँ कन्फ्यूज हुआ कहीं ना कहीं से अब बात तो सही है मैं कन्फ्यूज तो बहुत हुआ मुझे जाना था ऊपर जाना था यहाँ से था ना बढ़िया हाँ शायद ये कर ये देखा मैं सही बता मैं पता है कन्फ्यूज नीचे को जाऊँ पर जाऊँ फिर मुझे घर ब्राउन होने आ रहा है तभी मेरी दोस्त पैनी मिल गई कितने टाइम बाद हेलो हाँ मेरा फॉर्मेलिटी नहीं करती चलो चलते अंदर मुझे पता है क्या रही पीछे मुझे बहुत मारी थी तो फाइनली मैं अभी दूसरे घर पहुँच चुका हूँ तो एक काला दिख रहे हैं वैसे भी काली शक्ल हो गई है मेरी तो अब आते आते तो गए मैं दोस्ती घर पहुँच गया तो गर्मी मैंने बहुत बहुत सब टक टक कर दिए मेरी दोस्ती बहन ये मेरी बहन है सबसे अच्छी है सब शर्माती है मेरी दोस्त शर्माती है चलो ऐसी है क्या कर सकते हैं अब वो शर्मा दी तो कोई बात नहीं। अब पता है ये इसने नया फ़ोन ख़रीदा तभी उसने मुझे कॉल नहीं किया पता है इसके अंदर शर्म की एक वो नहीं है एक होती है ना वो नीचे शर्म चार या पाँच बार मैंने कॉल किया इसको पहले इसने मुझे कॉल भी नहीं उठाया क्या बोल रहे हो आप कुछ बोलिए तो मजाक करा रही तो अभी बेचारी बैठी हुई है मस्त गर्म हो रहा है तो ठंडा ठंडा दिया जाए कहाँ जा रही है तू
ऐसे ये हमारी मम्मी दोस्त बहुत हॉट है अभी, आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत सुंदर भी है। अगर आपको कुछ डिटेल नहीं चाहिए तो आप मुझे मेरे पर्सनल कमेंट कर सकते हो। क्यों नहीं भाई, तो अच्छी सच में बताए, ड्रामा मत कर फालतू का। इतनी आराम नहीं है, पता है अभी तक लाइटिंग नहीं खोई थी इसने, मेरी काली काली शक्ल आई अपनी शक्ल पर, लाइट वाइट सब खोल दी है सर के। सो अभी अब थोड़े पंचा कर, मस्त हो रहे हैं। अभी मैंने माइक्रोवेव ठूसी, मस्त बनाई थी मेरे दोस्त ने, अभी बना दिया खाना वाना बना दिया है, तो मैं सोचा इसको परेशान करूँ, लेकिन मैं परेशान करूँगा, मुझे पता है मैं जाऊँगा पोक करने के लिए उसको, फिर वो मेरा पोक पाक कर देगी ना, तब मुझे वो डर लग रही है, तो इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। मैं मुझे बहुत डराती है, मुझे मतलब अपने हाथों के नीचे रखती है, पता है मेरी दोस्त। बस मैं दिखाऊंगा, नहीं तूने, तेरा कमरा साफ सुथरा है भाई, इससे अच्छा क्या ही करना था जो और। और तो क्या ही करूँ फिर, बढ़िया ही है। अरे तो ओहो मस्त खाना वाना बनाया जा रहा है, अब ठूसूंगा फिर हड़ी जाऊंगा, फिर जाऊंगा घर में आराम से। आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं आप कहो ना प्लीज, आपकी बात सुनने में रेडी है। लाइट डॉट कर, यहाँ से इधर को दिखा, इधर से इधर को दिखाएगी ना उल्लू, ऐसा तो लो अगर है भाई इसको आता ही किधर मिला रहा है, डिफेक्ट है थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। अरे खाना अच्छा बनाती है बता रहा हूँ, कभी अगर मौका मिलेगा तो आपको खिलाऊंगा, पूरे मोहल्ले को लेके आ रहा हूँ यहाँ, 600 लोग देखो आज इसकी शक्ल, 600 लोगों के बराबर है भाई, पता था मुझे किसना किसना करने वाली है, ये सब कुछ काम धंधा नहीं है वैसे। ये खिड़की नहीं खोलती थी यार, नहीं खोलती ना, खोल ले इससे ज्यादा खुलता है, बट इधर को ये नहीं कि थोड़ी हेल्प कर दो, इतनी हराम है ना ये। मैं देखो जो मेहमान होता है वो हेल्प नहीं करता है, मेहमान। हाँ तो मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम आ रही, तुम्हें मुझे खाली दूसरी बार, दूसरी बार भी मेहमान मेहमान ही खिलाते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर्स, ये अपने सब्सक्राइबर्स को ठगती है, इतना याद रख लेना। ये नहीं बोला होता है, इसकी स्क्रिप्ट काटी जाएगी भाई, बोलेगी भी नहीं बोलता। हाँ तो अरे बहुत प्यार करती है वो भाई, शॉपिंग काटने वाले तो इसमें काटती है, तो किसमें काटती हुई तू आदमी? नहीं मैं स्लैब में ऐसे काटता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये होते हैं फैंसी लोग जिनके पास होता है ये टिब्बा टाइप का, उसमें काट कट कर करूँ, वरना टिब्बा नहीं बोलते उसको, चावल तो ड्रा मत करा अभी, मैं सर बोल रही हूँ इसका। तो तभी जब दो दोस्त मिलते हैं यही होता है गाइस, या तो एक बेचारा सहमा सहमा रहता है उसके दबाव में आके, जैसे मैं हूँ गाइस, मैं भी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट करना। तो तभी यहाँ से कुर्ता बन गया मस्त, लिपस्टिक भी डिंग अभी। सो आ रही है मेरी दगड़िया खाना वाना बनाने, जो जो बना रही होगी, आई मिलते हैं हम, जब हम खाएंगे तब मिलते हैं, क्या बोलते हैं। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा खाना आती है मुझे पता है, अभी टेस्ट करूँगा भाई, कभी कुछ पुचुर कभी कुछ कुछ कभी भाई कभी बैठ नहीं रही है ये, कमर टेक नहीं रही, बर्तन चलो धोए बर्तन ठीक है, उसके बाद बता रही दोबारा भूट रही है कुछ चीज़ को, कभी कुछ कर रही है इतना, मैंने सच बताऊँ मैंने आज तक नहीं किया, अगर मैं सही खाना भी बनाऊँगा ना, मैंने तभी भी नहीं किया है, उसे 10 बार चीज़ें रोस्ट कर दी हैं, 10 बार पीस दिए मसाला भूनने से टेस्ट अच्छा आता है, मैं कितना भूनना है बस खाने ही, उतना मसाला क्या खा रही हो तुम, और समझा खाना टेस्ट क्यों आता है। दोबारा कुछ भूटना उठना शुरू हो गया, अब वो धोएगी बर्तन को उसको, बचे रहेगा वो मुझे, वो धो रगड़ेंगे उसको, 3 बार उसको रोस्ट कर दिया, 3 बार अलग बार धो दिए उसने, उसके बाद हाँ पोछा 10 बार पोछा लगा दिया मेरे बैठे बैठे यहाँ पे, मैंने क्या ही करना है उसको। सो ये लड़की मतलब वैसे शादी सुधा के लिए सही है, वैसे ये मैरिज मटेरियल बहुत अच्छी है, ये सब काम कर लेती है गाइस। सो अगर आपको कुछ भी अगर जानकारी प्राप्त करनी हो, मतलब अगर आपको इससे रिलेटेड में दो से रिलेटेड कुछ भी मतलब करना हो, अगर आपको भी सिंगल भी है, सिंगल सिंगल सिंगर भी बन जाऊंगी तुमको हो तो, बस भाई ये सिंगल भी है, अगर आपको किसी को मतलब कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो मेरे मतलब कमेंट में पक्का लिखना है कि हाँ हम बता देंगे आपको कि हाँ क्या हो सकता है आपके साथ,
और अच्छा खाना भी अच्छा बनाती है, सिंगल है ही। हाँ और सुंदर तो बहुत है, आप देखोगे तो ट्रेडिशन में तो आप फ्लैट गिर जाओगे पूरा ही। बहुत सुंदर है लड़की है और सब काम जानती है, पढ़ने में भी अच्छी है, सब मतलब सर्व गुण संपन्न लड़की है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊँ उसकी शक्ल, अभी नहीं दिखा रहा हूँ गाइस, आँख दिखा दिए मुझे, मैं डर चुकी हूँ, मैं मार नहीं खाना चाहती हूँ, तब दिखाऊंगी। ठीक है, मैं आपको अभी कुछ पीसना पूसना हो रहा है ना, ये बहुत पता नहीं क्या क्या कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, अब मुझे जानना भी नहीं है कि क्या चल रहा है। मतलब बस अब मैं खाने से मतलब रखूंगी और कुछ नहीं। अब हम अब मिलते हैं, हमारा जब खाना बनेगा, दाल बन गई है, चावल चढ़ा दिए इसने तो बनेगा, तब मिलते हैं। ठीक है, तब आप मेरी खूबसूरत सी दोस्त को आप देखना। दोस्त का गाइस फाइनली अब हम खाना खा रहे हैं, दोस्त ने दे दिया मुझे खाना, मैं खाना खा रही हूँ, खुशबू अच्छी आ रही, बताए पकड़ती हो ले, पकड़ ले यार, तू तो पकड़ ही ले। हेलो एवरीवन, ये खाना अच्छा बनाती है, खुशबू अच्छी आ रही है, मैं टेस्ट करूँगा मतलब बढ़िया। सो गाइस हम खा के बैठ गए, ये आपने कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है चलती है मुझसे बोल। खा के बस पड़ी गए हैं, तुम्हारा काम है कुछ नहीं, अब सोने का काम है बस बस इतना, अभी बर्तन धोने बेचारे कोई बात नहीं, कर लेगी लड़की, खुद कर लेती है सब, मुझे कुछ हाथ पटाने की जरूरत नहीं है। खूबसूरती का राज बताओ पहले मुझे, शक्ल देखिए आप, बंदर से वो नहीं आई दादी, खूबसूरती है इसी, खूबसूरती देखो ना गाई, सफेद की सफेद ही है भाई ये, और मेरा सफेद देखो ना। नहीं यार आज तो मेरे डार्क सर्कल आ गए बहुत दिनों से, मैं बीमार हूँ ना, जुकाम बुखार हो रखा मुझे। तुझे क्या हुआ है? जुकाम बुखार हो रखा है, वो तो नॉर्मल है, होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी खाना वाना ठूसने के बाद आज बहुत खाता है, मेरा पैंट है जो ऊपर को दिख रहा है इसका, कि इतना हो गया ना बिल्कुल, बहुत खा दिया खाना। सो अभी क्या बोलते हैं, कितना बजे रहे? अभी बजा है 3 बजे है, अब 4:30 के आसपास जाऊँगा मैं, अब की 1.5 घंटे आँख मत दिखाया पैसे टेढ़ी, 5 बजे जाएगी ये बोलती रहती है। तो फिर सो गाइस ये तो मेरे दोस्त का फोन है, कि मेरा फोन बेचारा हो चुका है डेड अभी, और इससे अपनी ज्वेलरी का पिटारा खुला हुआ है, और मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, इसे लहंगा पहनते ठीक है, उस लहंगे के नीचे पायल कौन पहनते हैं, पायल पाँव किसने देखी है इसके नीचे, मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ। ज़्यादा बड़बड़ मत करें, आप बताइए आपने मतलब पायल क्यों पहनी थी इसके पाँव के नीचे, पाँव मतलब सब सच धज रहे थे, हाथों में अंगूठी चूड़ियाँ मांग टीका सितारा पितारा सब पहना था, तो पैर में भी पहन लिया भाई। मैं बोल रहा हूँ जैसे नहीं बोलते लोग क्या बोलते हैं कि लोग बनाते मतलब अपने इन्फ्लुएंसर की, हाँ आई हैव दिस ज्वेलरी सेट, मतलब वॉल ऑफ ज्वेलरी, मेरे पास ज्वेलरी नहीं, इसी बात मैं लेता भी हूँ, मुझे है भी नहीं, कोई बात नहीं तो मेरा बना ले, वही मैं बोल रहा हूँ इसका, आई एम क्या माई फ्रेंड्स ज्वेलरी हॉल में तो बनाऊंगा भाई, इतने बड़े कहाँ डरता नहीं ऐसे, ये होती लड़कियाँ वो मतलब पहन देती हैं, क्योंकि उस समय अच्छा दिखना पड़ता है, तो हम कुछ भी पहन सकती है उस समय, नहीं मेरे कुछ नहीं हुए थे, सबके हुए थे बट मेरे कानों में कुछ नहीं हुआ, हल्के हैं ना लग अच्छे, वो लोग बड़े लेकिन अच्छे हैं। अगर आपको मतलब पूछना है कैसे हैं, तो मैं इसका एक बड़ा ऑर्डर लाऊंगा अपने दोस्त का, कौन सा वाला ऊपर वाला, तब तक आप मेरी इयररिंग्स में फोकस कीजिए एवरीवन, तो मतलब अगर आपको चाहिए होगा मतलब पूछना है कैसे हैं मतलब कौन से हैं, कौन सा दूसरा वाला था, अच्छा ये वाला है, अगर मतलब ये लड़की हमेशा परेशान करती है मुझे, अगर आपको मतलब इनमें से कोई भी चाहिए होंगे मतलब, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सब उनके लिंक में बता दूंगा, एक नया इसका अलग ही वीडियो बनाऊंगा मैं, तब क्या बोलते हैं उससे बताया जाएगा आपको, कि एक वो क्या बोलते हैं लिंक बोलते हैं ना, सारा इतना भी पता है मैं ज़्यादा इतना आसान ब्लॉग तू बना रही है पूछ आ रही है, तो हम आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है आपको अगर चाहिए होगा बताना कमेंट में बताना, दिखा रहे कान की कैसे लग रहे हैं जूम, ओहो अच्छे लग रहे हैं, साइड को कर थोड़ा लाइट वाली ही, अपनी शक्ल देख, बस पीछे का मत दिखाओ, अपनी शक्ल देख ली किसी भी अतः आती लड़की है, क्या कर सकते हैं, आ गया उसके घर से, और मैं इसको पहुंचाने जा रही हूँ ऊपर तक, ऊपर तक आएगी ठीक है गाइस, आप हो मेरे सबूत अगर नहीं आई मैं फिर देख लेना। सो गाइस अब ये छोड़ने आई है मुझे फिलहाल, अब मैं घर ही जा रहा हूँ, ये लड़की अलग ही चलता है, कहाँ चुप रहे गाइस, मुंह नहीं धोया है इसने मुझे, ऐसे सो के उठ के ऐसे लेके आई है, मैंने वो सब मैंने ओ कुत्ता गंदी जो है ना मैं छोड़ के आई हूँ।
सुनो अभी पता है क्या हुआ, एक कुत्ता मतलब मैं छेड़ा था, मतलब भावों का रहता हूँ तो मैं और भावों करने लगे उस पर, तो गुस्सा हो गया वो खुल गया और जर्मन से पढ़े ना वो साला बिहारी, वो जर्मन है ये भागी छट्टी करके, पता है मुझे पीछे देखा भी नहीं, जिंदा है मरी करके, इसको मैंने भाग बोला था और भाग से पता है हाथ पकड़ी खींचा पड़ते हैं फिर ब्लॉग बना रहे इंसान बदला था कुत्ता, वो कुंडा लगा है वहाँ पे उनके वहाँ कूद देता है वो बेचारी इसके रूप में मेरे गली में तो कुत्ते हैं, मुझे उनके से जाना है, मैं कहीं जाऊँगा ऐसी तो ये ब्लॉगर है हाजिर तो रहेगा, तो बंद कर दो बताओ इसको आप, मैं थोड़ी देर मिलता हूँ ठीक है आपसे, ऊपर पहुँच जाऊँ मैं, बाय बाय रुका चमक रहा है क्या हो रही है अभी कुछ थोड़ा दूर करिए हाँ सब गाय अभी इतना ही छोड़ दिया अब जा रही है घर को ठीक है बाय बाय आई मिस यू कल आना और हाँ कल आऊँगा बट कल का ब्लॉग नहीं मिलेगा गाइस बस यही काम ना बचा है बस हो गया कल मिलते हैं बाय बाय चल आराम से आना ठीक है कुत्ते हैं इसी को तुम चले जाओगी बाय सोच ले गई अब मैं जाता हूँ घर को मैं सीढ़ी वाले रस्ते में होगी मेरा मुँह लाल हो गया यार चली गई वो सॉरी अब मैं जाता हूँ ज़रा और मेरे को सामान लेना है फिर मिलता हूँ ठीक है आपसे भी सो गाइस मैं घर पहुँचने वाला हूँ बहुत थक गया हूँ मैं घर पहुँचने वाला हूँ तो मैं अब डायरेक्ट आपको जब घर पहुँचूँगा तब करता हूँ ठीक है सो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ और क्या बोलते हैं जस्ट अभी पहुँचा हूँ मेरी बहन अंदर पूरा मुँह लाल हो चुका है बहुत गंदा वाला मेरे कुत्ते भूख रहे यहाँ इनका इनका दुश्मन कुत्ता है तभी थक गया अपना मुँह लाल हुआ है सो दैट्स इट फॉर टुडे ब्लॉग आया होगा आपको मेरा ब्लॉग बहुत 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 पसंद आया होगा पसंद आए सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय कॉम क्या बोलते हैं तेरा ब्लॉग तो भाई इसको हम वो घोषित कर देंगे क्या वो लड़की है और क्या बोलते हैं कि मैं क्या मैं भूल गया क्या बोलूँ मैं वो सी नहीं आ, मतलब तो लड़की मेरे कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए मेरे को शर्म नहीं कि मैं और लोगों को दिखाऊं इसको कुछ नहीं और मैं वो करूंगी वो सीने दे रहा मैं तेरा प्रमोट भी करूंगी बस कितना प्रमोट होगा।